अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आपके लिए हमेशा की तरह दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त आप पर अपनी खास रहमत करे, आमीन। तो जी, आज मेरे किचन में जो ज़बरदस्त सा खाना बनने जा रहा है वो है मुर्ग चने। जी हाँ, मुर्ग चने की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। बनाने में भी आसान और खाने में जो टेस्टी है उसका क्या कहना, ये तो जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते खुद तैयार करेंगे अपने घर में तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जी, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रोज़ आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चले फिर मैं बनाती हूँ, आप देखें मुर्ग चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैंने कढ़ाई में 2 कप ऑयल का शामिल कर लिया है क्योंकि चने कोई से भी पकाएं, चाहे अंडे चने, मुर्ग चने, उसमें ऑयल ज़्यादा शामिल होता है। तो मैंने 2 कप शामिल कर लिए ऑयल के। जी, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कलर चेंज हो गया जी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन, चूल्हे की आंच में करूंगी तेज ताकि चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जी, चिकन फ्राई हो गया, देखें चिकन का कलर भी चेंज हो गया। अब भी इसमें शामिल करूंगी 1 छोटे साइज का मैंने प्याज लिया था और 1 छोटे ही साइज का मैंने टमाटर और 8 अदद हरी मिर्चें लेके इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया था। और अब जी साथ ही जाएंगे इसके ये मसाले, 1 खाने का चम्मच पीसी हुई काली मिर्चों का, 1/2 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चुटकी कलवंजी की दूधे पक पड़ के शामिल करूंगी और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 3 बड़ी इलायची के टुकड़े, बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का मैंने बड़ा टुकड़ा लिया था फिर मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इसके, और 1 खाने का चम्मच साबुत जीरा और 1/2 खाने का चम्मच लाल मिर्चों का और 1/2 खाने का चम्मच नमक। इसमें काली मिर्चें ज़्यादा जाएंगी। ये सब मसाले आपने लाजमी शामिल करने हैं, फिर ही आपको बाजार जैसे चनों का जायका आएगा। तो मैं ये सारे मसाले इसमें शामिल करूँगी। अब ये तमाम मसाले और चिकन, इन तमाम को मैं भूनूंगी 5 मिनट तक हल्की आंच करके ताकि मसाले भी अच्छी तरह भुन जाए और चिकन भी गल जाए। जी, चिकन और मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ये देखें। अब इसमें जाएंगे चने। चनों को मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डाल के बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर में डाल के, 15 मिनट में ये बॉयल हो गए थे। ये 1 पाव चने है और 1/2 किलो चिकन है। अब जी इसमें जाएगा 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। बहुत ही जल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होती है ये, और बिल्कुल बाजार जैसा जायका। और जी अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी का, ज़्यादा नहीं शामिल करना आपने, सिर्फ 1 गिलास। अब जी आपने इसको ढांप देना है, हल्की आंच कर देनी है चूल्हे की ताकि चने मजीद और ये जितना भी मसाला मैंने भुना है चिकन और दूसरा मसाला, इसका जायका चनों में जज्ब हो जाए और चिकन मजीद थोड़ा सा और गल जाए। तो मैं इसको ढांप दूंगी 10 मिनट के लिए, चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल हल्की कर देनी है।
फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। जी अब चेक करते हैं चनों को। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी जबरदस्त जी मुर्ग चने तैयार हो गए हैं। की खुशबुआं आंदियां पईयां ने, उसके बारे तुहानू दस ही नहीं सकती। यह तो जो तुसी मेरी रेसिपी नू फॉलो करदे घर आप ही तैयार करोगे फिर तुहानू आप ही चीज़ का अंदाजा हो जाएगा। देखो तो सही माशाल्लाह बाजारों लियाण की लोड़ ही नहीं पैनी। तो हुण मैं तुहानू इन्हां नू डिश आउट करके विखानी हां। ये देखिए जी मैंने सालन को डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सालन बना है। आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपसे एक और अच्छी और नई रेसिपी लेकर। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।